मैया मोरी। मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी। मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, और इसी लीला पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बड़ा नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। और यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी हैं, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया। मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने कहा, मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। बस यही सुंदरता है इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे, मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी, मैं तब माखन खायो। मैया होरी, मैं कब माखन खायो। यहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। तो भोर सुनिए, भोर की राग राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। मेरा प्रयास है, शायद आपको समय का आभास होगा। भोर भायो
घोर भायो। गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहि पठा। भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहि पठा। समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो मैया मोरी मैं कब माखन खायो। री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। चला ये तर्क आपका नहीं है, ने दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां जरा ध्यान से सोचो, माखन कैसे खा सकता हूं, इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहां टांग के रखती हूं। मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 मैं बालक बहियन को छोटो ये छींको किस विधि पायो। ये छींको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं पर बस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कोई असर नहीं हुआ मां पर। अब कन्हैया ने सोचा मां की खुशामद करें, तारीफ करें तो मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं। अरे हां मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, हो कैसी न्यारी मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया, अरे हां मेरी मैया। ओ मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पतियायो। रे मैया मोरी इनके कहे पतियायो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे मां ये तुमने लाठी और कंबल दे दिया है मुझे और रोज भेज देती हूँ गाय चराने, ये सब वापस लो मैं चला, कल से ही काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी
कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज हैं, जिया तेरे कुछ भेद उपज हैं, तूने मोहे जान्यो परायो जायो, तूने मोहे जान्यो परायो जायो। संयोग से बात भी सच थी, कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने तो केवल पाला था। आज कह बैठे तूने मोहे जान्यो परायो जायो, जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो, ले उर कंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो, कन्हैया कन्हैया तै नहीं मां घन खा, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो, हो लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे, दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया कह रहे हैं अरे मैया मैं नहीं माखन खायो, और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, रे 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 माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही